हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स ऑफ 2022, दैट इज सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र के बारे में। अब ब्रह्मास्त्र से कुछ कल बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट निकल के आया। अब हम सबको पता है कि ब्रह्मास्त्र एक ट्रायोलॉजी होने वाली है, यानी कि ये तीन पार्ट में बनेगी। अभी जो आ रही है वो ब्रह्मास्त्र पार्ट वन है, दैट इज शिवा, और उसके बाद और भी दो पार्ट्स आएंगे। तो उन दोनों पार्ट्स में क्या हो सकता है उसके बारे में कुछ बहुत ही जबरदस्त अपडेट निकल के आया है। अब हम लोग ट्रेलर के टाइम में डिस्कस किए थे कि जलस्त्र जो है वो हो सकता है कि वो कैरेक्टर, क्योंकि इतना उसको मतलब अंडर रैप्स रखा गया है और फेस भी क्लियर नहीं था उसमें, तो हो सकता है कि वो दीपिका पादुकोण हो। उसके बाद कुछ दिन के बाद ये न्यूज निकल के आया कि हाँ, दीपिका पादुकोण का एक कैमियो होने वाला है ब्रह्मास्त्र में। और अब जो अपडेट निकल के आया है उसमें ये निकल के आ रहा है कि दीपिका पादुकोण विल बी प्लेइंग अ फुल फ्लेज्ड रोल इन ब्रह्मास्त्र पार्ट टू, यानी कि ब्रह्मास्त्र की स्टोरी जब आगे बढ़ेगी, पार्ट टू जब होगा, तो उसमें आपको एज अ लीड कैरेक्टर वहां पे दीपिका पादुकोण दिखने वाली हैं, और उनके कैरेक्टर का नाम होगा पार्वती। उनके साथ एक लीड कैरेक्टर एक और होंगे जिनका की नाम देव रखा जाएगा। अब ये महादेव और पार्वती से इसको लिंक किया जा रहा है, और वैसे भी शिवा और ईशा भी जो है वो भी शिव और पार्वती के ही नाम है, तो उसी को सेकंड पार्ट में दो अलग अलग कैरेक्टर से अलग स्टोरी क्रिएट की जाएगी। और इसमें रणबीर कपूर का भी अच्छा खासा रोल होगा पार्ट टू में, और आलिया भट्ट का भी अच्छा खासा रोल होगा। आलिया भट्ट पर उतना क्लैरिटी नहीं है अभी भी, क्योंकि बहुत सारे स्पेकुलेशन भी निकल के आ रहे हैं उसके कैरेक्टर को लेकर, लेकिन रणबीर कपूर का अच्छा खासा रोल डेफिनेटली ब्रह्मास्त्र पार्ट टू में होने वाला है। और ये भी क्लियर है, कंफर्म्ड है कि दीपिका पादुकोण का एक कैमियो होने वाला है जो कि एंड में आएगा, और एक जो क्लिफ हैंगर होता है कि एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए, जो स्टोरी को एक कंफ्यूज्ड माहौल में छोड़ने का जो चीज़ होता है, क्योंकि आपको फ्रेंचाइजी आगे लेके जाना है तो आपको एक्साइटमेंट, वो क्यूरियोसिटी, वो सब बना के रखनी है। वो सवाल जो एक होता है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा टाइप का एक सवाल, तो उस तरह का एक एक्साइटमेंट, एक सवाल क्रिएट करने का कोशिश किया जाएगा ब्रह्मास्त्र के एंड में। और अब बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन इसको भी लेकर हो रहा है कि भाई देव का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा, तो बहुत पहले से ये न्यूज निकल के आ रहा था कि शायद रणवीर सिंह ही आपको ब्रह्मास्त्र पार्ट टू में एज अ लीड कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे। सो हो सकता है कि वो और दीपिका पादुकोण आपको देखने को मिले ब्रह्मास्त्र के पार्ट टू में। और शाहरुख खान के कैमियो को लेके भी बहुत एक्साइटिंग बातें निकल के आ रही थी, लेकिन अभी जैसे कि सब कुछ निर्भर करता है कि ब्रह्मास्त्र कितना बड़ा सक्सेस होगा, ताकि वो फ्रेंचाइज फिर आगे कैसे जाए। बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारा ब्लूप्रिंट एक तरह से तैयार है ब्रह्मास्त्र ट्रायोलॉजी का अयान मुखर्जी के पास, लेकिन वो चीज़ें किस तरह से मटेरियलाइज होती हैं, कौन सी चीज़ें पसंद आता है, कौन सा चीज़ें नापसंद आता है ब्रह्मास्त्र पार्ट वन में, सब कुछ इन सब पे डिपेंड करने वाला है। फिलहाल अभी के लिए ये ब्लूप्रिंट है, इसमें कितने ट्विस्ट एंड चेंजेस होंगे वो सब हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी एक कुछ अगर बहुत बड़ा सक्सेस हो जाता है, बहुत चीज़ें फिर देखनी पड़ती है प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, जो कि हम पुष्पा पार्ट टू में भी देख रहे हैं कि पुष्पा इतना बड़ा सक्सेस के बाद बहुत सारे ट्विस्ट एंड चेंजेस किए गए हैं स्क्रिप्ट में, और अभी तक भी शूटिंग शुरू नहीं हो पाया सेकंड पार्ट का। तो आगे देखते हैं ब्रह्मास्त्र में किस तरह से चीज़ें डेवलप होती हैं। शाहरुख खान का भी एक अच्छा खासा कैमियो आपको देखने को मिलेगा ही, और उसके बाद ये भी स्पेकुलेशन था कि वो आगे जाके एक विलेन के प्रॉपर एक विलेन के रोल में ब्रह्मास्त्र पार्ट टू या फिर पार्ट थ्री में एक प्रॉपर एक फुल फ्लेज विलेन का रोल भी प्ले कर सकते हैं। सो अभी तो सब कुछ स्पेकुलेशंस ही हैं, बाकी फिलहाल दीपिका पादुकोण का एंट्री कंफर्म्ड है ब्रह्मास्त्र पार्ट टू में, और हमको लगता है कि रणवीर सिंह ही होंगे जो कि देव का कैरेक्टर प्ले करेंगे, हालांकि इस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सो आपका क्या ख्याल है इन सबके बारे में जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और कितने एक्साइटेड हो ब्रह्मास्त्र के लिए। और लव स्टोरियां को लेके भी टाइटल डाल दे, बहुत लोग आ रहा था मैसेज वगैरह, और मीम्स में तो हर जगह भरा हुआ है वो लव स्टोरियां पार्ट जो केसरिया में आया। ऑनेस्टली हम उसी दिन जब लाइव सेशन किए थे उसमें भी हम बताए थे कि हाँ, लव स्टोरी हमको जरा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक ऐसा मशीन बन चुका है जो इधर से बात डालोगे आप तो उधर से पतंगड़ निकलता है, इधर से राइट डालो उधर से पहाड़ निकलता है, तो लोगों को खींच तान के किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करने में कोई मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सोशल मीडिया एक इंस्टेंट आप बोल सकते हो ना, इंस्टेंट वो आपको उठा सकता है, इंस्टेंट आपको गिरा सकता है। सो केसरिया को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रहा है लव स्टोरी के लिए, लेकिन ऑनेस्टली हमको कुछ ऐसा भी नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई पीरियोडिक फिल्म है या तो फिर कोई डिवोशनल सॉन्ग है केसरिया, जिसमें आप एक भी इंग्लिश का लिरिक्स नहीं डाल सकते, तो हमको मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं लगा। बाकी आपको लव स्टोरी अच्छा लगा या फिर नहीं जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल यही अपडेट था, और अगर वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आए तो आपसे मिस नहीं हो। कुछ और बात करनी तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।